नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के हैदराबाद उदगीर सड़क पर स्थित ईडन कॉलोनी में रहे एक स्क्रैप के गोडाउन में अचानक आग लगने से जलकर राख। बीदर उत्सव 2023 के तहत बीदर शहर के ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावा में अखिल भारतीय मुशायरा। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बताया। कोलार की जनता सिद्धरामैया को नकार देगी, मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा। पांडवों ने कभी नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? जानिए राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। डिंपल के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर भड़के शिवपाल, कहा एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के व्यस्त क्षेत्र हैदराबाद उदगीर सड़क पर स्थित ईडन कॉलोनी में रहे एक स्क्रैप के गोडाउन में अचानक आग लगने से जलकर राख हुआ। आज दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच अचानक गोडाउन में आग लग गई, क्योंकि गोडाउन में अधिक प्लास्टिक और स्क्रैप की वस्तुएं थी और यह गोडाउन जिंक टिन शेड का रहने से आग लगते ही गोडाउन में रहे सामान सहित गोडाउन राख के ढेर में बदल गया। हालांकि मौके पर दमकल की वाहन पहुंची और आग को काबू में किया गया, लेकिन तब तक पूरा गोडाउन जलकर राख हो गया। गोडाउन रिहायशी इलाके में रहने के बावजूद आसपास किसी भी मकान को नुकसान नहीं पहुंचने की खबर है। गोडाउन के मालिक महबूब पाशा ने मीडिया से बात कर अपने नुकसान के बारे में बताया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। नहीं मालूम, पर मेरे को जैसे ही फोन आया आग लगी बोल के सीधा मैं स्टोर में था, वहाँ से इधर ही चाय डाल रहे। ये स्क्रैप का गोडाउन था, प्लास्टिक था अंदर। प्लास्टिक ही था, अभी 10 से 12 लाख रुपए का लॉस होगा। नहीं वो पता नहीं है, कोई कैसा लग गया अंदर या पीछे वाले कोई लगाए पता नहीं। नहीं नहीं अंदर कुछ नहीं है, करंट भी नहीं अंदर। नहीं सामान बहुत था अंदर। हमको एक आधा एक घंटा हुआ मेरे को फोन आया उधर से, बच्चा बोला आग लगे तुम्हारे गोदाम को, बोले तो मैं सीधा स्टोर से इधर ही चाहता था। मेरा नाम जायद हुसैन है। वही लोग बोलने से मालूम होने से आ गए हैं, देख के फायर ऑफिस को बुला के आज बुझाने लगा रहे थे। एक घंटा पहले मालूम होगा हमको ऐसा आँच लगा, बोल तो सटल्ले आके एक्शन नहीं कर दे। हाँ लोग जमा हो के होगा, लोग देख के ही बोले हमारे को ऐसा आँच लगा आपके गोडाउन पे, बोल तो इमिजिएटली आ गए हम भाग के। एक 5-6 साल से। नाम मेरा एमडी महबूब है। बीदर उत्सव 2023 के तहत बीदर शहर के ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावा में अखिल भारतीय मुशायरा जिला प्रशासन एवं शाहीन शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न और प्रसिद्ध शायरों ने भाग लिया। मुशायरा सुनने के लिए पुराने शहर में रही मदरसा महमूद गावा में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। मुशायरा बीती रात 9 बजे शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन बीदर के विधायक रहीम खान, कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला और शाहीन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कादिर ने किया। मुशायरे के लिए ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावा को लाइटों से सजाया गया था। इसके साथ ही लोगों को मुशायरा सुनने के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई थी। मुशायरा सुनने देर रात केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा और बीदर के एसपी किशोर बाबू पहुंचे, क्योंकि उत्सव के तहत शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और कल अंतिम दिन रहने से अन्य नेता व अधिकारी सभी कार्यक्रमों को समय नहीं दे पाए। बीदर उत्सव 2023 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में सबसे सफल और आकर्षित करने वाला कार्यक्रम मुशायरा रहा। शायरों ने अपनी मीठी शायरी से लोगों का दिल जीतने में सफल रहे। यह मुशायरा कल रात 3 बजे तक चला और लगभग दर्शक इसके खत्म होने तक अपना स्थान नहीं छोड़े। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। शबीरा जी वतन का नगमा आपकी खिदमत में पेश करने ही गए, आप सबकी खुसूसी तवज्जो। ये वतन मेरा वतन, 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 ये मोहब्बत की जमीन है, ये शहीदों का चमन।
सकते हैं। नहीं नहीं, अगला बताओ दोस्तों। जी जी, हर एक बार वो पे असर बोलते हैं, हर एक बार वो पे असर बोलते हैं, हर एक बात वो। जाहिर है कि अब थोड़े से आप संजीदा से भी हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि संजीदगी को तोड़ा जाए। किसी मसरूफियत के तहत शायद किसी काम में मसरूफ हो गए हैं। अब्दुलनाल साहब मेरे सामने हैं, चंद मौजज़ीन और सामने हैं, और जनाब इनायतुर्रहमान शिंदे साहब जो नोडल ऑफिसर हैं इस बीदर महोत्सव के, वो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं इस संजीदगी को तोड़ने के लिए कुछ उल्टा पुल्टा सा काम करूँगा। कहा देखा कि एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होगी मेरे अब्बू वहां होंगे। समझ में आ गया आपके? इधर वालों को अब भी नहीं आए, लेकिन अब आ गया। आग कहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेली का देख मत प्यारे हुस्न, दुल्हन का देख मत प्यारे, अच्छी सीरत ही निभा सकती है, घर जो लाएगा चांद सी दुल्हन, दिन में तारे भी दिखा सकती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हजरत एक तो नजमें हैं मिजाज, उसके पास अपनी जगह रखा हूँ क्योंकि हमें मेहमानों को सुनना है। उन दोनों में से एक नज्म का इंतखाब कर लीजिए अमित भाई जी, और वो खूबसूरत सी नज्म यहाँ पढ़ दीजिए जो, क्योंकि मैं बड़े अदब से एक बात बताना चाहता हूँ। आप बड़े बहुत अच्छे शेर सुना रहे हैं, बहुत मन लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन अच्छा मेजबान वही होता है जो खुद कम खाए और मेहमानों के लिए ज्यादा बचा के रखे। तो हाँ, एक नज्म अच्छा जी। ईद नज़म का अनुमान है ईद का पजामा। ये जी पस मंजर ये है कि जब हम चांद रात को कपड़े लाते हैं। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 19 जनवरी को नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल आधुनिकीकरण परियोजना को समर्पित करने के लिए कर्नाटक आने की भी संभावना है। बोम्मई ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को हुबली रेलवे ग्राउंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए सीधे हुबली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 7 दिवसीय युवा कार्यक्रम में भाग लेंगे और संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 19 जनवरी को दोबारा प्रदेश आ सकते हैं। ऊर्जा, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्होंने हर चुनाव में विधानसभा क्षेत्र बदलते आए हैं और लोगों द्वारा नकारे गए हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में भी कोलार निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा नकारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। हालांकि सिद्धरामैया प्रत्येक चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों को बदलकर अपनी प्रतिबद्धता भूल गए हैं। सिद्धरामैया जेडीएस को भूल गए हैं, जिसने उन्हें सीएम बनाया था। बाद में उन्होंने वरुणा और बादामी के लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने उन्हें चुना था। अब कोलार के मतदाता उन्हें नकार देंगे। प्रधानमंत्री, मैसूर क्षेत्र में भाजपा के लिए संभावनाएं 2018 के चुनाव की तुलना में बेहतर नहीं है, यह देखते हुए कि कांग्रेस या जेडीएस के कई नेताओं ने पार नहीं किया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से कई नेता सामने नहीं आए हैं। यहां तक कि पूर्व एमएलसी मधुसूदन और विधायक एसए रामदास जैसे वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से व्यक्तिगत कारणों से नाराज हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, मैसूर क्षेत्र में भाजपा के नेता जो कुछ है उससे संतुष्ट प्रतीत होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल ही दिसंबर में अपनी यात्रा के दौरान संकेत दिया था कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों के कुछ नेताओं ने भाजपा से संपर्क किया था। हालांकि अभी तक कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश और विदेश के समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सतयुग, त्रेता और द्वापर से लेकर कलयुग तक के सभी अवतारों में फिट होने का दावा कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा अब आध्यात्मिक टर्न ले रही है। कन्याकुमारी से मोहब्बत का संदेश लेकर निकले राहुल गांधी को उसी धरती पर अमर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। करनाल से लेकर अम्बाला तक पिछले दो दिनों में राहुल हिंदू धर्म के दर्शन की बात करने लगे हैं। अब उनके बयानों में राम है, शिव है, कौरव है और पांडव भी हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा ने बाकी सब प्रदेशों को दिखा दिया है कि हरियाणा क्या है और क्या कर सकता है। राहुल ने कहा कि हरियाणा सदियों से देश को सिखा रहा है। महाभारत के समय जो कौरव और पांडव की लड़ाई थी, वही आज की लड़ाई है। पांडव जो थे वो तपस्या करते थे। पांडवों ने इस धरती पर कभी नफरत नहीं फैलाई, किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह ने सैफी में कहा कि सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार की जा रही छींटाकशी को वह 99 बार तक तो माफ करेंगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराए जाने के बीच शिवपाल ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी को घेरने का काम करेंगे और बहु डिंपल के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए अब लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। 2024 के आम चुनाव के बाद बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से उत्पन्न संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करने पर मंगलवार को राजी हो गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हालांकि तत्काल सुनवाई के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है और कहा कि हर जरूरी चीज सीधे कोर्ट के पास नहीं आनी चाहिए। लोन फ्रॉड केस में जमानत मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को मंगलवार को मुंबई की जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को इस मामले में सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी लापरवाही और बिना सोचे समझे करने के लिए सीबीआई से नाराजगी भी जताई। सीबीआई ने वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक के लोन फ्रॉड केस में कोचर दंपति को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर मुंबई की भाईकला महिला जेल से सफेद रंग की कार से बाहर निकली। इंडोनेशिया में 7.6 की तीव्रता के भूकंप के आने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गहरे समुद्र में आए भीषण भूकंप के प्रभाव से पूर्वी इंडोनेशिया में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भूकंप इतना भीषण था कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी इसके झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं भूभौतिकीय एजेंसी ने 7.6 की तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे 3 घंटे के बाद वापस ले लिया गया। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। गुरु रंधावा और शहनाज गिल का पहला म्यूजिक वीडियो मूनराइज हुआ रिलीज। अब समाचार खेल जगत के। ईशान किशन ने टीम इंडिया से बाहर होकर रच दिया इतिहास, दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने। आखिर में समाचार बाजार के। मोबाइल से चालू होगी एमजी हेक्टर नेक्स्ट जेन, दमदार टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगे कई फीचर्स। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के हैदराबाद उदगीर सड़क पर स्थित इडन कॉलोनी में रहे एक स्क्रैप के गोडाउन में अचानक आग लगने से जलकर राख।
बीदर उत्सव 2023 के तहत बीदर शहर के ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावा में अखिल भारतीय मुशायरा। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने बताया। कोलार की जनता सिद्धरामैया को नकार देगी, मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा। पांडवों ने कभी नोटबंदी की थी क्या, गलत जीएसटी लागू की थी क्या, जानिए राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। डिंपल के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर भड़के शिवपाल, कहा एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।